subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, myself Tamanna Pramukh Putar, my rank belongs to 8P from Sanskar Nandpit Samudrapur. और मैं आज आपको औषधि वनस्पतियों में दिव्य गुणों वाली औषधि वनस्पति जिसका नाम परिजात और हम उसे हरसिंगार नाम से भी जाने जाते हैं और आज मैं परिजात औषधि वनस्पति के गुणों के बारे में बताने वाली हूँ। परिजात के पत्तों का काढ़ा गठिया रोग ठीक करने की सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। मौसम संबंधित और विषाणु से फैलने वाली बीमारियों पर परिजात प्रभावकारी है। कैंसर जैसी महामारी पर भी परिजात का काढ़ा गुणकारी है। परिजात के काढ़े में हैपेटो प्रोटेक्टिव एंटीवायरल एंटीफंगल एंटीग्लिसिस और एंटीपिरेटिक गुण पाए जाते हैं जिससे वह अधिक प्रभावकारी है। परिजात का काढ़ा साइटिका रोग के लिए रामबाण औषधि है। यह नाड़ियों की सूजन दूर करता है। परिजात के काढ़े का निरंतर प्रयोग करने से पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर घुटनों की स्मूथनेस कम हो गई हो और जोड़ों का दर्द में कौन सी भी दवा लेने से आराम न मिलता हो तो परिजात के काढ़ा पीना चाहिए। 90 दिनों में स्मूथनेस वापस आ जाएगी। परिजात का काढ़ा पीने से मलेरिया और बुखार ठीक हो जाते हैं। परिजात के पत्तों का रस और अदरक का रस और शहद मिलाकर पीने से उसका सेवन करने से यकृत और प्लीहा की वृद्धि ठीक हो जाती है। परिजात के पत्तों को पीस कर दांत खुजली के जगह पर लगाने से वह ठीक हो जाती है। परिजात के पत्तों को पीस कर उसे शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। परिजात के फूलों का रस निकाल कर वह पीने से हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। परिजात का काढ़ा बनाने की मात्रा। परिजात का काढ़ा बनाने के लिए हमें हमेशा 5 से 8 नई पत्तियों को पानी में उबाल कर उसे लेना चाहिए। काढ़ा हमेशा सुबह खाली पेट लेना चाहिए। थैंक यू।